नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी अखबार का जो कि कोलकाता से पब्लिश हुआ है उसका फर्स्ट पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। हर रोज ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आपका सुझाव दीजिए और पुराना वीडियो देखने के लिए तो ये वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। तीन अखबार पढ़ूंगा, सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर। शुरू करता है सन्मार्ग से। सन्मार्ग का पहला खबर, केंद्रीय बलों की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस प्राप्त करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोगों को लगाई फटकार। पंचायत चुनाव में पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों को तैनात करना ही होगा, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा और निर्देश दिया कि पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी होगी। राज्य चुनाव आयोग ने हर जिले के केवल एक कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती करने का निर्णय लिया। 24 घंटे के अंदर केंद्रीय बल भेजने की अपील। मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे। अपने पूरे जीवन में राज्य स्थापना दिवस के बारे में कभी नहीं सुना, ममता। राज्यपाल की कुर्सी के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से फोन पर अनुरोध किया था कि वे पश्चिम बंगाल दिवस न मनाएं। इसके बाद भी मंगलवार को कार्यक्रम किया गया। मंगलवार को इस पर सीएम तथा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिहिंसा के कारण ये सब पालन किया जा रहा है। अगले 15 दिन में 16 राज्यों में होगी बारिश, 10 राज्यों में चलेगी लू। अब तक अनुमान से 33% कम बारिश। पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार में पिछले कुछ दिनों में लू और भीषण गर्मी के कहर से कई मौत हुई है। मौसम विभाग IMD ने मानसून को लेकर एक अच्छी खबर है कि अगले 15 दिन में देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में बारिश होने लगेगी। पत्नी को भरण पोषण, 95,000 के सिक्के ले आया। पत्नी के अभिवक्ता ने इससे मानसिक प्रताड़ना बताया। अदालत ने सिक्के देने की इजाज़त दे दी। जयपुर के एक अदालत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए दी जाने वाली 55,000 रुपये की राशि सिक्के के रूप में देकर अदालत पहुंचे। कार्यक्रम में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। सीएम के ना कहने पर भी राजभवन में मनाया गया बंगाल का स्थापना दिवस। राष्ट्रपति ने दी बधाई। ये था सन्मार्ग का पहला पेज का आखिरी खबर, आप वर्तमान पत्रिका। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। केंद्रीय बलों की सुरक्षा में ही पंचायत चुनाव। अग्नि परीक्षा, प्रत्येक जिले में एक कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला। सर्वोच्च अदालत ने आयोग को जमकर लताड़ा। केंद्रीय बलों के विरोध पर जताया आश्चर्य। आदेश के बाद आयोग ने मांगी एक जिले पर एक कंपनी। पहले राजकीय दौर पर यूएस पहुंचे भारतीय पीएम, वहां भी हुआ विरोध। पीएम मोदी को बताया राइजिंग हिटलर। रवानगी से पहले बोले पीएम, अपना टाइम आ गया। कड़वी सच्चाई, अमेरिका तक पहुंचे पीएम मोदी विरोध की आग।
बाइडेन प्रशासन सतर्क, सभी तरह के विरोध दबाने को बेताब। राज्य की पहल, रेरा के तहत सूचीबद्ध नहीं होने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। छोटे बिल्डरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। जनहित में, 3 कट्ठा जमीन पर बनी परियोजना या 6 फ्लैट से अधिक वाले आवासन शामिल, नहीं शामिल हुए तो परियोजना का 10% जुर्माना। प्रमोटर या बिल्डर के खिलाफ दर्ज हो सकती है FIR। तो ये था वर्तमान पत्रिका का पहला पेज का आखिरी खबर, आप प्रभात खबर। अगले वर्ष दीघा में रथ यात्रा का होगा आयोजन, CM। रथ यात्रा उत्सव में ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को यहां इस्कॉन के वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुरी की तंज पर दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अगर पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य अगले साल त्योहार से पहले पूरा हो जाता है तो वहां पूरी की तरह ही रथ यात्रा का आयोजन होगा। आदेश, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। राज्यों में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ, शीर्ष अदालत ने की कड़ी टिप्पणी। कहा, चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस प्राप्त करना नहीं है। राज्यों में केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां की जाएंगी तैनात। वॉल स्ट्रीट जर्नल को PM ने दिया इंटरव्यू। नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए मंगलवार की रात न्यूयॉर्क पहुंचे। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और वाशिंगटन में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपने दौर की शुरुआत से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के दिए एक साक्षात्कार में मोदी ने चीन को खुली चेतावनी दी। PM ने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखते हैं। भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित। अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे PM मोदी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को किया दरकिनार। शुरू की गई नई परंपरा, राजभवन में मनाया गया पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। केंद्र सरकार की सलाह पर शुरू हुई है बंगाल के स्थापना दिवस का पालन करने की परंपरा। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए मनाया गया स्थापना दिवस, ममता बनर्जी। IAS IPS 48 घंटे हिरासत में तो निलंबित की पुष्टि की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो ये थी आखिरी खबर प्रभात खबर का। तो कल फिर नया वीडियो में नया खबर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।